अगर आपका बिजनेस MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में आता है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये बिल्कुल फ्री है और पेपरलेस है। सोगाज में ही इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताऊंगा कि MSME के लिए ऑनलाइन न्यू पोर्टल पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको मैं MSME के कुछ बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि MSME रजिस्ट्रेशन कराने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आप MSME रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो गवर्नमेंट टेंडर लेने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बैंक लोन के तहत फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरी पर आपको 15% इम्पोर्ट आपको मिल जाएगा, जो 50% आपको सब्सिडी दी जाती है। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रजिस्ट्रेशन अप्रूवल और लाइसेंस जो है वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। ISO सर्टिफिकेट पर आप जितना भी खर्चा करते हैं उसका आपको कंपनसेशन मिल जाता है। अगर आप MSME रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो लो इंटरेस्ट रेट पर आपको, अगर आपको बैंक से कोई लोन लेना है तो MSME रजिस्ट्रेशन के साथ आपको लो इंटरेस्ट रेट देना होता है। रजिस्टर MSME को टैरिफ सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडीज मिलती है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर काफ़ी एक्सेप्शन मिलता है। यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि MSME के अंदर कौन कौन से इंटरप्राइजेज आते हैं। तो MSME में माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज और यहाँ पर देखें मीडियम इंटरप्राइजेज, तीन कैटेगरी आते हैं। एक माइक्रो इंटरप्राइजेज वो इंटरप्राइजेज है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में जो भी किया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। और उस इंटरप्राइजेज का जो टर्नओवर है वो देख रहे हैं कि 5 करोड़ रुपीस इसका टर्नओवर है, और इसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो उसको माइक्रो इंटरप्राइजेज कहा जाएगा। दूसरी है स्मॉल इंटरप्राइजेज, इसमें वो इंटरप्राइजेज आती है जो में प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट पर जो भी खर्चा किया गया है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्चा किया गया है, तो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। और इसका जो टर्नओवर है सो यहाँ देख रहे हैं कि 50 करोड़ रुपीस से ज़्यादा इसका टर्नओवर नहीं है तो इसको स्मॉल इंटरप्राइजेज कहा जाता है। थर्ड है मीडियम इंटरप्राइजेज, जहाँ पे जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में जो भी यहाँ पे खर्च किया गया है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और इसका जो टर्नओवर है यहाँ देख रहे हैं कि 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं है तो इसको इस तरीके से मीडियम इंटरप्राइजेज कहा जाएगा। तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यू रजिस्ट्रेड, तो सिंपली हमको यहाँ पे ओके कर देना है। आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम हो आपको HTTP यहाँ पे डाल देना है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि वैलिडिटी एंड गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भी आया होगा, यहाँ पर आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ वैलिडिटी को क्लिक कर देना है, तो आप देखिए हैं कि यहाँ पर आपका जो OTP है आधार से सबमिट वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप चूज करना है, आपको किस प्रकार का आपका संगठन है। तो यहाँ पर प्रोप्राइटरी है, जहाँ पर एकल स्वामित्व होता है, यहाँ पर हिंदू इंडिवाइडेड फैमिली है या पार्टनरशिप है, यहाँ पर देखिए सहकारी है, यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या स्वयं सहायता समूह है, यहाँ सोसाइटी है, ट्रस्ट है या अन्य है। तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ प्रोप्राइटरी। अगर आप सिंगल हैं, आपके साथ कोई नहीं है, तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटरी चूज कर लेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके पास पैन कार्ड नंबर है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो चूज कर लेंगे। तो मेरे केस में है तो मैं यहाँ पर यस चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है, इसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट देना है, इसको यहाँ वैलिडेट पेन पर ओके करेंगे तो आपका पैन कार्ड जो है वेरीफाई हो जाएगा।
यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई ऑलरेडी हो चुका है। क्या आपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में ITR फिल किया है? अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो हम यहाँ नो पर चूज कर लेंगे। क्या आपके पास GST नंबर है? अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेंगे। इसको यहाँ आपको कुछ डिटेल देनी है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर आपको जो भी ईमेल आईडी हो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो इसके बाद यहाँ से आप अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। यहाँ देखे हैं कि परसेंटेज के हिसाब से MSME में सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, तो आप देख रहे हैं कि OBC SC ST और जनरल वाले के लिए पूरा यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बाद यहाँ से अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे, आपको जो भी कैटेगरी जैसे जनरल है SC ST जो भी है तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। यहाँ से आपको जेंडर चूज कर लेना है कि आपका जेंडर क्या है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेसिबिलिटी एबलेट यहाँ पूछ रहा है कि आप हैंडीकैप है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप इंटरप्राइज का ऑफिशियल वेबसाइट का नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली जो वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है तो आपको यहाँ पर अपना जो नाम है नाम ऑफ इंटरप्राइज का वो नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको डालना है प्लांट यूनिट का नाम यहाँ डालना है, और यहाँ एट यूनिट पर करके एक से ज़्यादा भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कि लोकेशन प्लांट का देने के लिए जो भी लोकेशन है जो भी एरिया है तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी एरिया वगैरह है तो यहाँ से इसको आप चूज कर लेना है। यहाँ फ्लैट डोर डाल लेना है, यहाँ पर नाम ऑलरेडी आ चुका है, विलेज आ चुका है, यहाँ जो स्टेट रोड है ठीक है वो आधार कार्ड में से चूज कर लेगा। यहाँ सिटी डाल देना है, यहाँ पिन कोड आपको डाल देना है, ब्लॉक डाल देना है, स्टेट आपको यहाँ से चूज कर लेना है, जो भी जहाँ से भी है वो स्टेट चूज कर लेना है यहाँ से। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट है तो आप कहाँ से, तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। अगर एट प्लांट पर और भी कोई एक से ज़्यादा प्लांट है तो यहाँ ऐड करके और भी यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ऑफिशियल एड्रेस इंटरप्राइज का आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस इंटरप्राइज का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो फ्लैट डोर ब्लॉक वो डालना है, यहाँ पर आपको जो है परिवहन नाम वो आपको यहाँ पर डाल देना है, यहाँ विलेज डालना है, प्रखंड ब्लॉक स्टेट रोड डाल देना है, नगर पिन कोड, और यहाँ पे सिटी स्टेट राज्य यहाँ से राज्य चूज कर लेना है, स्टेट यहाँ से जिला को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका जो बिहार इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आते हैं तो यस चूज करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो चूज कर लेंगे। अगर आपने कभी इसमें MSME पर रजिस्ट्रेशन किया है तो प्रीवियस UAM पर क्लिक करेंगे, तो चूज करके आपको नंबर डालना है, अगर नहीं किया है तो सिंपली यहाँ ना पे ओके रहने देंगे। अब बात हुई कि यहाँ पर आपको डेट डालना है कब से इसको स्टार्ट किया है, तो यहाँ से कैलेंडर में से आप इसको चूज करके डाल सकते हैं डेट, और यहाँ पर आप जिस डेट में आप GST नंबर लिए हैं वो डेट भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और जिस डेट में आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो वो नंबर डेट भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आकर आपको यहाँ बैंक की डिटेल डालनी होगी, यहाँ पे IFSC कोड और यहाँ बोला कि बैंक अकाउंट नंबर, तो वो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आप अपना बैंक नेम डालेंगे, यहाँ IFSC कोड, यहाँ पे अपना नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे अगर आप सोसाइटी ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी या कोई और चूज किया है तो आप उसी के नाम के यहाँ पर बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप डाली है तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है कि मेजर चूज करेंगे, मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, तो यहाँ पे है कि आप क्या काम करते हैं, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस चूज करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग चूज करेंगे। इसको ये चूज करने के बाद यहाँ नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन यानी NIC कोड आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, यहाँ देख रहे हैं नीचे। तो इसके दो तरीके हैं, तो पहला तरीका है कि ये जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पर आपको टाइप करना है, कुछ इस तरीके से आपको ये सर्विस ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ पोस्टल, यहाँ पोस्टल एक्टिविटी आ गई, मैं इसको यहाँ चूज कर लूँगा। चूज करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ से मैं आप चूज कर लूँगा पोस्टल एक्टिविटी। पोस्टल एक्टिविटी चूज करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा कुछ इस तरीके से ये पोस्टल जो मैं चूज किया हूँ वो यहाँ पे आ चुका है, और इस तरीके से आपका NIC कोड ऐड हो चुका है। दूसरा तरीका मैं दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। दूसरा तरीका आप चूज करते हैं कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विस देते हैं, तो यहाँ से सर्विस चूज करने के बाद यहाँ से आप सर्च कर लेंगे कि किस तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पोस्टल कुरियर एक्टिविटी चूज कर लेता हूँ। इसको आपको सिंपली यहाँ चूज कर लेना है पोस्टल या कुरियर, तो जो भी है यहाँ से आपको चूज कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ,
इसके बाद यहाँ पे हम चूज कर लेंगे कुरियर एक्टिविटी और यहाँ एड पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ये मेरा ये जो कुरियर एक्टिविटी वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुका है, अगर आपको ये नहीं रखना तो यहाँ डिलीट करके हटा भी सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 3 टोटल जो है 3 कोड आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ऐड कर दिया है इसको, जैसे कि मैं हमको यहाँ पे ऐड करना है पोस्टल, तो यहाँ मैं पोस्टल ऐड कर लूँगा। यहाँ पे देखिए पोस्टल एक्टिविटी आ चुका है, तो इस तरीके से आपका भी आ जाएगा। यहाँ पे आप चूज कर लेंगे पोस्टल एक्टिविटी और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे एक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ भी ऐड हो चुका है पोस्टल एक्टिविटी का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे 2 ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप 3 एक्टिविटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप जो भी यहाँ से मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विस देते हैं तो इस तरीके से आप या तो यहाँ पे सर्च करेंगे या यहाँ पे आप जाके यहाँ से चूज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ चूज कर लेंगे सर्विस या मैन्युफैक्चर और ये इस तरीके से आप यहाँ पे इसका कोड निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्विस चूज करके यहाँ से आप इसको चूज करके निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ चूज करना है 4 डिजिट और यहाँ पर कोमोडेट करना है 5 डिजिट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 ऐड कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, जो आपका कंपनी है या जो भी है आपका, तो कितने लोग इसमें काम करते हैं, जैसे मेल कितने काम करते हैं, फीमेल कितने काम के अदर कितने काम करते हैं, वो इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे पुरुष डाल देता हूँ 0, यहाँ पर हम स्त्री डाल देता हूँ 1। तो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 आ चुका है। इसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद बोला है कि यहाँ पर प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट पर जितने भी आप इन्वेस्ट किए हैं, जितना भी इन्वेस्ट किया है तो वो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल डाल देना है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 31 मार्च से पहले आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ बोला है कि पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च डेवलपमेंट पर आप कितना खर्च किए हैं, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो इस तरीके से यहाँ टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको डालना है टर्नओवर, ये ऊपर यहाँ पर अपना डालेंगे कितना आपने इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पर अपना नीचे डालना टर्नओवर कि आपका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर भी आपका 2 टर्नओवर, यहाँ टोटल टर्नओवर यहाँ पर है एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो यहाँ पर दोनों टर्नओवर डालेंगे तो यहाँ पर दो आपका नेट टर्नओवर शो कर देगा। अब यहाँ सबसे पूछा जा रहा है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल या गेटिंग रजिस्टर पे, आप ये बोला है कि आप जेम पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो हम सिंपली यहाँ से नो पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ TREDS पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो यस, नहीं तो हम सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। इसको यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यहाँ पर चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपको चूज करना कौन सा आपको लगता है, यहाँ देखिए ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे आपका जो पॉइंट नंबर 11 है और पॉइंट नंबर 12 है ये आपको फिलअप नहीं करना है। पॉइंट नंबर 11 में आपको नेम ऑफ इंटरप्राइजेज डालना है और 12 में जो बोल रहा है आपकी इसकी लोकेशन डालनी है। GST में आप जो भी नाम देंगे इंटरप्राइज का और जो भी एड्रेस आप देंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं यहाँ पे नीचे ऑलरेडी यहाँ सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपके पास एक ओके का बटन आएगा कि जब आपको बोल रहा है आई एस योर, तो हम सब कुछ मेरा सब कुछ ओके है, तो यहाँ पर सिंपली हम ओके करेंगे। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा मोबाइल में, वो आपको यहाँ पे OTP यहाँ पर डाल देंगे। मेरे केस में आ गया, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो आपके केस में आ जाएगा, तो आप भी यहाँ से डाल सकते हैं। OTP डालने के बाद ये कैप्चा है, कैप्चा इसमें डालना है आपको। इस बार फाइनल यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसको या सिंपली यहाँ फाइनल सबमिट करना है। यहाँ बोल रहा है कि IOC और सब कुछ सही है, यहाँ ओके करेंगे। ओके करने का देखिए यहाँ पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप दे दिया है, इसको आप कॉपी करके रख सकते हैं। इसको यहाँ सिंपली कॉपी करने का तो ओके कर दीजिए। यहाँ से ओके करने का आप चाहे तो यहाँ से अपना प्रिंट भी निकाल सकते हैं, यहाँ प्रिंट वाले पे ओके कर लीजिए। ओके करने का तो आपको पूरा आ जाएगा जो भी प्रिंट निकालना है। यहाँ पर PDF ऑलरेडी आ चुका है, सिंपली हम यहाँ प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ मेरा ऑलरेडी जो बोल रहा है पाथ चूज करने के लिए, मैं डेस्कटॉप पर है तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। और इस तरीके से जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद आप यहीं से सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रिंट वाले ऑप्शन पर जहाँ के यहाँ पर प्रिंट वाले जाइएगा, यहाँ देख रहे हैं कि प्रिंट उधार सर्टिफिकेट आपको इस पर ओके कर देना है। जैसे इस पर ओके कीजिएगा कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। इसका जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ डालेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी मोबाइल पर इसमें दिए थे। यहाँ पर जो है मोबाइल पर लेना चाहते हैं आप OTP या ईमेल ID पे, जिस पे भी लेना है इस पर आप क्लिक कर देंगे। चलिए मैं क्लिक कर देते हूँ, मैं कर दूंगा मोबाइल पर। इसके बाद यहाँ वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से आपका जो ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि जो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है ये अंडर प्रोसेसिंग में है, आपका ये जो एप्लीकेशन किए हुआ अब अंडर प्रोसेसिंग में है। तो जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा वैसे ही आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रिंट करने का बस यही तरीका है कि आपको वेट करना है मैक्सिमम 1 वीक। इसके बाद सिंपली आपको प्रिंट सर्टिफिकेट जाइए, यहाँ प्रिंट आधार पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर अपना जो स्टेशन नंबर या मोबाइल नंबर जिस पर भी लेना है, जैसे मेल आईडी पे लेना है या मोबाइल पे लेना है ओटीपी, वो यहाँ से आप सिंपल तरीके से चूज करके अब यहाँ पर गेट वेरीफाई एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपको इसी तरीके से यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे तो आपका जो यहाँ पे जो है आपका सर्टिफिकेट वो ऑलरेडी शो कर देगा, जिसको आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट को बहुत ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको बोला जा रहा है कि 1 अप्रैल 2021 से GST नंबर आपको जरूरी हो जाएगा। तो अगर आप GST नंबर नहीं बनाए हुए हैं तो मैं इस पर वीडियो बना रखा हूँ, आप जाके बहुत ही आसानी से आप GST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप MSME रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 अप्रैल 2021 से पहले आपको एक GST नंबर के लिए अप्लाई कर देना है। GST के लिए कैसे अप्लाई करना है इसके लिए मैं फुल प्रोसेस में वीडियो बना रखा हूँ डिटेल बाय डिटेल, तो उसको स्किप नहीं कीजिएगा नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा और बहुत ही आसानी से आप वो GST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से GST के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। GST अप्लाई करते समय अपने जो भी इंटरप्राइज का जो भी आप नाम रखेंगे वही नाम और एड्रेस आपका MSME रजिस्ट्रेशन में ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 अप्रैल 2021 से MSME के लिए GST नंबर जरूरी हो जाएगा। तो आप MSME के रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 अप्रैल 2021 से पहले GST नंबर ले लें। तो GST नंबर बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन अप्लाई होता है। अगर वो आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इस पर पहले वीडियो बना रखा हूँ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। जो भी आप अपना GST का इंटरप्राइजेज का जो भी नाम रखेंगे वो ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा MSME में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।